दोस्तों मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है, जिसके आज पूरी दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में करीब 40,000 रेस्टोरेंट चल रहे हैं। अब वैसे तो मैकडॉनल्ड्स की बात करते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले इसके बर्गर्स और फ्राइज का ख्याल आता है, जो कि नो डाउट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैकडॉनल्ड्स अपनी कमाई बर्गर या फ्राइज सेल करके नहीं बल्कि किसी और तरीके से करता है, तो फिर क्या आप यकीन कर पाएंगे? अब यकीन करना भले ही मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है कि मैकडॉनल्ड्स की मेजोरिटी इनकम इसके रियल एस्टेट बिजनेस से आती है, जो कि अपने आप में एक जीनियस बिजनेस मॉडल है। और इस वीडियो में हम आपको मैकडॉनल्ड्स के इसी बिजनेस मॉडल के ही बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों मैकडॉनल्ड्स के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स जैसे बर्गर किंग और KFC वगैरह की अगर बात करें, तो इन कंपनीज की मेजोरिटी अर्निंग इनकी प्रोडक्ट सेलिंग यानी कि बर्गर, फ्राइज और चिकन वगैरह को सेल करने से होती है। लेकिन वहीं मैकडॉनल्ड्स की कमाई का अगर हिसाब लगाया जाए, तो फिर इसे एक फास्ट फूड चेन नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट कंपनी कहा जाएगा, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की मेजोरिटी अर्निंग उस रेंट या फिर रॉयल्टी पर डिपेंड करती है, जो कि उसे उसकी प्रॉपर्टीज के फ्रेंचाइज के थ्रू मिलता है। अब अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स के जितने भी रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उनमें से ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट की कंप्लीट ऑनरशिप खुद मैकडॉनल्ड्स के पास ही है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने टोटल रेस्टोरेंट के करीब 50% लैंड और 80% बिल्डिंग्स को मैकडॉनल्ड्स खुद ओन करता है। यानी कि मोस्ट केसेस में मैकडॉनल्ड्स अपने रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए किसी जगह या बिल्डिंग को किराए पर नहीं लेता, बल्कि वो उस जगह को खरीद कर खुद अपने पैसे से वहां रेस्टोरेंट बनाता है और फिर उन रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइज पर देकर अपने फ्रेंचाइजी से रेंट और रॉयल्टी वसूल करता है। अब 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल मैकडॉनल्ड्स के टोटल 40,031 रेस्टोरेंट में से 37,295 यानी कि करीब 93% रेस्टोरेंट्स ने खुद खड़े किए हुए थे, जिन प्रॉपर्टीज को मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइज देकर रेंट और रॉयल्टी वसूल करता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि मैकडॉनल्ड्स अपने फास्ट फूड से बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाता, बल्कि फास्ट फूड सेलिंग से भी इसका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन फर्क यह है कि इनकी टोटल अर्निंग का सबसे बड़ा हिस्सा इसे अपनी प्रॉपर्टीज के रेंट और रॉयल्टी से ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल मैकडॉनल्ड्स ने सिर्फ रेंट और रॉयल्टी के रूप में ही $13.1 बिलियन कलेक्ट किए थे, जो कि इसके टोटल रेवेन्यू का करीब 57% हिस्सा था। अब दोस्तों मैकडॉनल्ड्स का ये फ्रेंचाइज मॉडल एक जीनियस बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इसमें मैकडॉनल्ड्स को नुकसान होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। असल में कोई भी फ्रेंचाइज अगर सेल्स कम होने की वजह से नुकसान में भी चल रही होती है, तब भी मैकडॉनल्ड्स को उससे अपना एक फिक्स्ड रेंट और रॉयल्टी फी आती रहती है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग फ्रेंचाइज को होने वाले लॉस में मैकडॉनल्ड्स का कोई हिस्सा नहीं होता। और अगर कोई फ्रेंचाइजी बहुत ही ज्यादा लॉस होने की वजह से रेस्टोरेंट को क्लोज भी कर देता है, तो फिर उस सिचुएशन में भी मैकडॉनल्ड्स को कोई खास नुकसान नहीं होता, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स अगर चाहे तो वो अपने उस रेस्टोरेंट में कोई नया फ्रेंचाइजी ला सकता है, उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है या फिर उसे किसी दूसरे बिजनेस को भी रेंट पर दे सकता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 में मैकडॉनल्ड्स की प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की टोटल वैल्यू $53 बिलियन थी, और यही वजह है कि इस कंपनी को अगर आज एक रियल एस्टेट कंपनी के रूप में लिस्ट कर दिया जाए, तो इसकी गिनती दुनिया के टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनीज में होगी। अब दोस्तों मैकडॉनल्ड्स के साथ में ये सब कुछ बाय चांस या फिर गलती से नहीं हुआ, बल्कि इसे जानबूझकर स्ट्रेटेजिकली एक रियल एस्टेट कंपनी के ही जैसा बनाया गया है। दरअसल मैकडॉनल्ड्स शुरुआत से ही अपने फ्रेंचाइजी को चुनने और उससे काम करवाने के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा है। फेमस बिजनेस न्यूज वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर के अकॉर्डिंग मैकडॉनल्ड्स के पास में 375 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर सिर्फ फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए रूल्स, रेगुलेशंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार कोई भी व्यक्ति या बिजनेस जो कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, उसे इसके लिए 6 से लेकर 14 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और साथ ही 5 करोड़ रुपए का अमाउंट हर समय अपने पास तैयार भी रखना पड़ता है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उन पैसों का यूज किया जा सके। इसके अलावा उसे 30 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी के रूप में और हर महीने टोटल सेल्स का 4% रॉयल्टी के रूप में चुकाना पड़ता है। इस सब के अलावा रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या होगी, ये भी मैकडॉनल्ड्स से डिसाइड करता है। दरअसल लोकेशन चूज करने के मामले में मैकडॉनल्ड्स शुरुआत से ही बेस्ट रहा है, और ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि अपने रेस्टोरेंट के लिए ये हमेशा भीड़भाड़ वाली प्राइम लोकेशन को ही सिलेक्ट करता है, जहां पर पार्किंग की भी पूरी सुविधा होती है।
और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मैकडोनाल्ड्स के साथ बिजनेस करने के लिए इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है कि इसके लिए मैकडोनाल्ड्स ने हैमबर्गर यूनिवर्सिटी नाम की एक ट्रेनिंग फैसिलिटी भी बनाई हुई है, जहां पर ये फ्रेंचाइजी ऑनर्स और रेस्टोरेंट मैनेजर्स वगैरह को अपने साथ में बिजनेस करने के लिए ट्रेन करते हैं। लेकिन दोस्तों अब लास्ट में सवाल ये आता है कि इतना सख्त क्राइटेरिया और इतने सारे रूल्स होने के बाद भी लोग आखिरकार इसकी फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं। असल में इसका रीजन ये है कि मैकडोनाल्ड्स पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जाने माने फेमस ब्रांड्स में से एक है, जिसके चलते लोगों को ये एक बेहद सेफ इन्वेस्टमेंट नजर आता है। और दोस्तों अपने फास्ट फूड बिजनेस में सक्सेसफुल रहने के साथ साथ जिस तरह से ये एक रियल एस्टेट जायंट बना है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और यही चीज आज मैकडोनाल्ड्स को दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल ब्रांड्स में से एक बनाती है। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।